बेकी लिंच WWE की सबसे बड़ी फीमेल स्टार्स में से एक है। उन्होंने रेसलमेनिया 35 के मेन इवेंट में रॉ और स्मैकडाउन विमेन्स चैंपियनशिप जीती थी। ये उनके लिए काफी बड़ी उपलब्धि थी। इसलिए हम बात करने वाले बेकी लिंच की 5 बातों के बारे में जिनकी जानकारी किसी को नहीं है। नंबर 5 पर है कि बेकी लिंच फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में काम कर चुकी है। बेकी लिंच ने रेसलिंग कैरियर को सीरियस लेने से पहले एयर होस्टेस के रूप में काम किया है। वो अपनी माँ की तरह ही पूरे यूरोप का सफर बतौर एयर होस्टेस करती थी। खैर 2.5 साल बाद उन्होंने ये काम छोड़ दिया और अपने रेसलिंग कैरियर पर ध्यान लगाया। नंबर 4 पर है कि फिन बेलर बेकी लिंच को ट्रेन कर चुके हैं। फिन बेलर और बेकी लिंच 14 सालों से एक दूसरे को जानते हैं। फिन बेलर ने एक ट्रेनिंग स्कूल शुरू किया था और यहाँ बेकी लिंच और उनके भाई ने एडमिशन लिया था। उन्हें इस दौरान रेसलिंग काफी पसंद आई और उन्होंने फिर इसमें अपना कैरियर बनाने का निर्णय लिया। बेकी ने बताया कि वो बेलर की वजह से रेसलिंग जगत के शीर्ष पर पहुंच पाई है। नंबर 3 पर है कि बेकी लिंच शुरुआत में रेसलर नहीं बनना चाहती थी। बेकी लिंच बचपन में अपने भाई रिची के साथ प्रोफेशनल फाइट्स देखती थी। इसके साथ ही उन्हें किक बॉक्सिंग पसंद थी और वो इसमें अपना कैरियर बनाना चाहती थी। हालांकि जब उनके गुरु फिन बेलर ने रेसलिंग स्कूल शुरू किया तो 15 वर्षीय बेकी लिंच ने अपना मन बदल लिया। नंबर 2 पर है कि बेकी लिंच ने पेज के मैनेजर के रूप में काम किया है। बेकी लिंच ने NXT में आने के सालों पहले तक मैनेजर के रूप में काम किया था। उस दौरान वो पेज की मैनेजर थी। बाद में दोनों WWE में आ गई और बेकी ने फिर रेसलिंग करना शुरू किया। बेकी लिंच की माइक स्किल्स उसी समय से अच्छी होना शुरू हो गई थी। नंबर 1 पर है कि बेकी लिंच के पास एक्टिंग की डिग्री है। बेकी लिंच एक शानदार एक्टर है। एक समय पर उन्होंने अपने कैरियर को रोक दिया था और एक्टिंग की ओर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने डबलिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से डिग्री हासिल की है और कुछ नाटकों में भी काम किया है। उन्होंने प्रसिद्ध ऐतिहासिक शो वाइकिंग्स में स्टंट वुमेन के किरदार के रूप में काम किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको WWE से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती।